बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी बॉइल्ड राइस की रेसिपी शेयर करने जाने चले। व्यूअर्स, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया है और इसमें जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं ऑयल की डालूँगी। 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने व्यूअर्स सब्ज़ धनिया ले रही हूँ, इसको मैंने चॉप कर लिया, ये डालूँगी। सब्ज़ धनिया से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है व्यूअर्स चावलों में। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे बड़ा दालचीनी का टुकड़ा था, इसको 200 में कर लिया है और 3 अदद लौंग है और 1 जावित्री का छोटा सा पीस है, ये डाल दूँगी। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे 1 टीस्पून है मैं ज़ीरा डालूँगी। साथ में व्यूअर्स यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून व्यूअर्स यहाँ पर मैं वाइट विनीगर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास लेमन है तो आप इसमें लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब व्यूअर्स इसमें मैं राइस डाल दूँगी, ये मैं कच्ची बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पक्के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यूअर्स आप टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स देखिए, राइस बॉयल हो चुके हैं, मैंने इनका पानी जो है वो निकाल लिया है और व्यूअर्स ये बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं। व्यूअर्स इस तकरीबन बिरयानी टाइप, जैसे आप बिरयानी तह वाली बिरयानी बनाते हैं तो उसके राइस बॉयल करते हैं, सेम मैंने उसी तरीके से राइस बॉयल किए। तो मैं ये कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ ये छोटी सी रेसिपी। व्यूअर्स आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको जीरे वाली दही के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के व्यूअर्स ये राइस लगते हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में एंड बेल का आइकन लाजमन प्रेस कीजिएगा। व्यूअर्स जाते जाते व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।